हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 24 की। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज का। और ये है 24 नंबर सेट पे हम पहुंच गए। और ये जो क्वेश्चन है ये है एलपी टेक्नीशियन के। और ये अब हम देखो यहाँ पे पहुँच गए 29 अगस्त पे, ठीक है। तो 30, 31 और एक वो चार वाला, मतलब दो तीन वीडियोज़ और आएंगे इस पर। और इसको फिनिश करते हैं एलपी टेक्नीशियन को, और उसके बाद हम एनटीपीसी और जेई के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाद में ले लेंगे ग्रुप डी के, पहले एनटीपीसी जेई को अल्टरनेट चलाएंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं अपने 29 अगस्त का। ये 29 अगस्त थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल है, तो अपने को इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल कहाँ पे होती है? ओब्वियसली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होती है, राइट। अगर आपको ये नहीं पता हो किस पे होती है, तो देखो ये दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस नीचे आ गया, एक बच गया, तो टेन थीटा इक्वल टू एक हो गया और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो यहाँ से अपने को थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो आप यहाँ पर रख दो 2 साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, -3 कोस थीटा यानी कोस 45 की वैल्यू भी सेम होती है 1/√2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा 2 × 1/2 -3 × 1/2, 2/2 यानी 1, तो -3/2। ये हो जाएगा 2 − 3 यानी -1/2 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके 45 डिग्री आ गई, और यहाँ पे वैल्यू रख दो और टेबल में से आप मान रख दो। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। आपके पास कोई पंप है वो 4 आवर के अंदर भर सकते हैं, परंतु रिसाव के कारण, रिसाव मान लो बी है, राइट, रिसाव के कारण 5 घंटे में भर जाते हैं। रिसाव है बी, तो ए प्लस बी भरते हैं इसको 5 आवर के अंदर। बी के खाली करने वाला मान लो आप, या रिसाव वाला मान लो। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगा है, यानी बी है वो कितने घंटे में खाली कर देगा। तो देखो 4, 5 का एलसीएम आ गया 20, यानी ये तो आ गया टोटल उसकी कैपेसिटी आ गई। इधर ले लेंगे अपन एफिशिएंसी, 20 में 4 का भाग गया 5 बार, 20 में 5 का गया 4 बार। तो देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और ए की है 5, तो इनसे अपने को पता क्या चला कि ये जो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है आपके पास 4, ए की वैल्यू रख दी 5, 5 + b = 4, तो b की कितनी होगी 4 − 5, यानी b की एफिशिएंसी आ गई -1। b क्या है, जो रिसाव है यानी जो खाली करने वाला है, तो उसकी एफिशिएंसी आ गई -1। टोटल है 20, तो ये कितने घंटे में खाली कर देगा, 20/-1 यानी 20 घंटे के अंदर वो खाली कर देगा, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक साथ कार्य 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 12 डेज के अंदर, जबकि ए अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, ए इसे 15 दिन के अंदर ख़त्म कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, यहाँ से अपन उनके कार्य की स्टार्टिंग लाइन ले लेते हैं। ए और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है, तो यानी कार्य यहाँ पर एंड हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक के जो टाइम है वो ले लेते हैं 10 डेज, ठीक है। ये हो गया 10 डेज, यहाँ से ए आउट हो जाता है, ओनली कौन बचेगा, बी बचेगा, राइट। ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो अपने को ये बताना है कि ये कितने दिन है, राइट। अब देखो सबसे पहले वही अपना एलसीएम लेंगे, 60 टोटल वर्क आ गया। इधर ले लेंगे एफिशिएंसी, 60 में 12 आ गया 5 और 60 में 15 आ गया 4। अब देखो बी अकेला यहाँ पे 10 दिन काम कर रहा है, तो बी ने कितना काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी यानी दोनों की 5 है, एक की 4 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 1, राइट। 5 में से 4 गए 1, बी 10 दिन काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 1, तो बी ने यहाँ पे कितना काम किया, 10 × 1 यानी 10 कार्य कर दिया, राइट। यहाँ पे 10 वर्क हो चुका, तो शेष कितना बचेगा, 60 टोटल है, 60 में से 10 गए 50 बच गया, और 50 कौन कर रहा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 5, तो 50/5 यानी 10 दिन। यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो है 10 डेज, और अपने को ये पूछा है यहाँ पे कितना लगेगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है, आपको ये 3 लाइन्स दे रखी है, आपको बताना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इन लाइनों से बनने वाले त्रिभुज का एरिया बताना है आपको। तो देखो आपका ये है ट्राइंगल, राइट, ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी। तो देखो ये है ए बी, तो इसको इस लाइन को तो मान लेते ए बी, ये लाइन होगी बी सी और ये लाइन होगी सी। अब देखो इसमें आप ए बी और बी सी को सोल्व करोगे, ए बी और बी सी को, इनके सोल्व करने से आपके पास बी कॉमन है ना, तो बी के कोऑर्डिनेट आएंगे, राइट। तो देखो आप इन दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे आप, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स, इसको मैं कर देता हूँ x = -y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रख दो यानी 3x =
तीन एक्स बराबर, तीन से गुणा कर देता हूँ, तीन एक्स बराबर माइनस तीन वाई, और यहाँ पे रख दो तीन एक्स की जगह माइनस तीन वाई, यानी इसमें वाई की वैल्यू भी जीरो और एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो ये जो बी का कोऑर्डिनेट है, यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी और वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी, तो बी दोनों की जीरो आ जाएगी। तो बी क्या कॉमन, तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास जीरो जीरो, ये हो गए जीरो और जीरो, राइट। अब देखो बी सी और सी ए को सॉल्व करो, बी सी और सी ए को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से सी कॉमन है तो सी के कोऑर्डिनेट आएंगे। सी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, देखो तीन एक्स बराबर पाँच वाई है, वाई बराबर ये है, तो आप इसमें रख दो तीन एक्स बराबर, ये है मेरा तीन एक्स बराबर पाँच इंटू वाई, वाई की जगह ये रख लेता हूँ मैं तीन एक्स माइनस बारह, ये समीकरण था तीन एक्स बराबर पाँच वाई, तो तीन एक्स बराबर पाँच और वाई की जगह मैंने ये रख लिया, तो ये हो गया तीन एक्स बराबर पाँच थी पंद्रह एक्स माइनस बारह पंजो साठ, ये हो गया बारह एक्स बराबर साठ, तो एक्स की वैल्यू आ गई पाँच, एक्स की वैल्यू पाँच आ गई, तो एक्स की वैल्यू पाँच आ गई, तो यहाँ मैंने पाँच रख दिया, पाँच से पाँच कैंसिल, वाई की वैल्यू तीन, तो वाई की वैल्यू तीन। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो पाँच और तीन आएगा। इसी प्रकार आप सी ए और ए बी को सॉल्व करोगे, किसको, सी ए और ए बी को, तो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट आप सॉल्व करके देखोगे तो आपके आएंगे तीन और माइनस तीन, एक्स की वैल्यू तीन आएगी, बी की वैल्यू माइनस तीन आएगी। इस तरीके से आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो ए की वैल्यू आ गई तीन और माइनस तीन, राइट, और सी के कोऑर्डिनेट आए अपने पास पाँच कोमा तीन, ये हो गए सी के कोऑर्डिनेट। यानी कुल मिला के इनको आपसे मिटा देता हूँ एक बार यहाँ से, मैं देखो समझा देता हूँ दोबारा से आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये था ए बी, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ये ए बी सी, ये साइड मानी मैंने ए बी, ये मानी बी सी और ये मानी सी ए, राइट। यानी इन दोनों को सोल्व किया तो बी कॉमन होने की वजह से बी के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को जीरो जीरो, इन दोनों को सोल्व करने से सी कॉमन था तो सी के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को पाँच कोमा तीन, और इन दोनों को सोल्व करने से ए कॉमन था तो कॉमन होने से ए के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को तीन कोमा माइनस तीन। अब तीनों के मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, एरिया बराबर होता है वन बाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ये अपना लगता है फॉर्मूला त्रिभुज कोऑर्डिनेट से क्षेत्रफल निकालने का। तो देखो वैल्यू रख देते वन बाई टू, एक्स वन क्या है, एक्स वन है आपका कुछ ये हो गया ए एक्स वन मान लो, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, तो एक्स वन कितना है आपका तीन, एक्स टू कितना है जीरो, एक्स थ्री कितना है पाँच, वाई वन लिखो वाई वन कितना है माइनस तीन, वाई टू कितना है जीरो, वाई थ्री कितना है थ्री, नीचे वन वन वन। अब देखो मैट्रिक्स से हम सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा मैट्रिक्स भी अपने को पता ही होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इधर मैं ले लेता हूँ तीन, तो ये लाइन और ये लाइन बंद कर लेता हूँ, तो यानी मैंने तीन रख दिया, ये क्लोज की मैंने, यानी ये लाइन और ये लाइन क्लोज कर दी, तो क्या हो जाएगा जीरो इंटू जीरो, ये जीरो इंटू वन जीरो हो गया, माइनस तीन हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस तीन। इसको मैं जीरो से गुणा करूँगा कुछ नहीं होता, पहले वाली टर्म्स प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में, तो ये डायरेक्ट में ये लिख लेता हूँ प्लस पाँच, ये लिख दिया तो ये हो गया माइनस के तीन और ये हो जाएगा जीरो। तो देखो ये हो जाएगा एक बटा दो तीन इंटू तीन इन माइनस के नौ माइनस के पाँच थी पंद्रह, ये कितना हो गया पंद्रह नौ चौबीस, माइनस चौबीस बटे दो यानी माइनस के बारह, माइनस बारह नहीं आता, ये आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ये देखो मॉड लगा है, तो इसका आंसर होगा बारह यूनिट, ये इसकी वजह से आंसर हमेशा प्लस में आएंगे आपके। थोड़ा सा लेंथी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से आ सकते हैं, ऑब्वियसली जेई एन टी पी सी एग्जाम में दे रहे हो तो ग्रुप डी में ऐसा आ गया तो एन टी पी सी जेई में भी आ सकते हैं। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई व्यक्ति है 10 के एम पी एच की स्पीड से जा रहा है, अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहा हो, घर से स्कूल जा रहा है, ये इसका होम है ये इसकी स्कूल है, 10 के एम पी एच की स्पीड से जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो प्लस 5 मिनट इसने ज़्यादा ले लिए। यदि वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है 3 के एम पी एच, अब स्पीड होगी उसकी 13, 10 से 13 होगी, तो वह स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, अब 4 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो देखो दूरी बतानी है, तो दूरी हो गया डी, दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल यानी 10 इंटू 13, ओके, स्पीड वन स्पीड टू चालों का गुणनफल हो गया, चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना हो गया 10 और 13 का अंतर 3 इंटू समय का अंतर, समय कितना है, देखो ये बॉर्डर से 5 मिनट लेट जाता है, ये बॉर्डर से 4 मिनट पहले, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 और 4 9, ये मिनट में है, और में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो, ओके। अब देखो 10 का इसमें गया 6 बार, तीन का यहाँ गया तीन बार, तीन का इसमें गया दो बार, दो का 13 के अंदर जाएगा 6.5, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू इतनी है तो कोशेक थीटा बताओ। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोशेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाता है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसको ओपन कर लो, एक बार माइनस कर दो कोशेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोशेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर वन, यानी एक बार मैंने प्लस लगा दिया और एक बार माइनस लगा दिया। प्लस वाले की वैल्यू आपको दे रखी है दो, यानी इसकी जगह दो रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जगह ये सेम वापस ऐसा रख दिया बराबर एक, ये इसके नीचे चला जाएगा यानी कोशेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू हो गई दो, नीचे आ गया यानी एक बटा दो। अब देखो यहाँ से अपने को कोशेक निकालना है यानी कोट को हटाना है, तो कोट ये रहा और कोट ये रहा दोनों को जोड़ दूँ क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो जोड़ते कोट कैंसिल हो जाएगा, कोशेक और कोशेक हो गया दो कोशेक, यहाँ पे दो है यहाँ पे आधा है तो कितना हो जाएगा 2.5 राइट। तो ये दो का इसमें भाग चला जाएगा यानी 1.25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर देते हैं। तो देखो ए और बी 35 दिन के अंदर ख़त्म करते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य पूरा करता है, ये काम की लाइन है, ए अकेले काम करता है और 5/7 इसने कार्य किया फिर छोड़ देता है, यहाँ से ए आउट हो गया और बी आ गया राइट। बाकी काम बी अकेले पूरा करता है, कार्य पूरा होने में 90 दिन का समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक जो समय है वह 90 डेज ओके। इन दोनों में अधिक कुशल ए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो एफिशिएंसी ए है वो बड़ी है यानी एक एफिशिएंसी ज़्यादा है। काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, आपको दिन बताने इसमें। तो देखो इसमें क्या करना है, टोटल वर्क किया 35 मान लो राइट, ए की एफिशिएंसी ए मान लो और बी की एफिशिएंसी बी मान लो राइट। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 35 35 यानी एक हो जाएगी राइट। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी बराबर एक राइट, ए की एफिशिएंसी ए बी की एफिशिएंसी ए। अब देखो इसने यहाँ पे 5/7 काम किया तो 35 टोटल काम था, तो 5/7 कितना हो जाएगा 35 के 5/7 हो जाता है 25 हो जाएगा राइट, यहाँ पे 25 काम हो गया। शेष काम कितना बचेगा 10 काम बच गया। अब देखो ए की एफिशिएंसी थी ए और बी की एफिशिएंसी थी बी, तो यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे, 25 काम किया उसने और ए एफिशिएंसी है तो यहाँ से यहाँ तक का जो दिन है वो है 25/A ओके। यहाँ पे जो काम किया 10 एफिशिएंसी बी, तो यहाँ से जो दिन लगे बी को वो लगे 10/B राइट। तो ए ने इतने दिन लिए, बी ने इतने दिन लिए और टोटल समय है 90, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25/A प्लस 10/B इक्वल टू आ गया 90। अब देखो एक समीकरण आपके पास ये आ गया और एक समीकरण ये आ गया, दो समीकरण आ गए। अब दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आपके पास आंसर आएगा इसका। तो एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको, तो देखो मैं समीकरण लिख लेता हूँ दोबारा से, मेरे ए प्लस बी बराबर एक आया और एक आया मेरे पास 25/A प्लस 10/B बराबर 90, ये आ गया। अब देखो इसमें पूरे को ए बी से गुणा कर देता हूँ, पूरे को ए बी से कर देता हूँ, तो ये तो हो गया 25B प्लस ये हो जाएगा 10A बराबर 90AB क्यों। अब यहाँ से मैं किसी की वैल्यू रख लेता हूँ, ए बराबर हो गया 1-B रख लेता हूँ ए की वैल्यू, तो ये हो गया 25B प्लस 10, ए की जगह रख दिया 1-B बराबर 90B इंटू ए की जगह रख दिया 1-B ओके। ये हो गया 25B प्लस 10 माइनस 10B बराबर हो जाएगा 90B स्क्वायर ये हो गया। अब देखो यानी इन सबको इधर ले आता हूँ, एक ही साइड में ले लेता हूँ, ये तो 90B स्क्वायर हो जाएगा, 90B इधर आ गए तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 10 यानी माइनस के 100, माइनस के 100 में से प्लस 25 गए तो माइनस के 75B और प्लस के 10 पहले से हैं बराबर 0। अब सबके अंदर भाग दे देते हैं 5 का, ये हो गया 18B स्क्वायर माइनस 5 का गया 15B प्लस 2 बराबर 0। अब देखो गुणा करने पे आना चाहिए 36, जोड़ने पे आना चाहिए 15, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे फैक्टर बन जाएंगे मेरे पास कितने, जोड़ने पे 15 और गुणा करने पे 36, तो 12 और 3 कर दूँ माइनस के 12 और माइनस के 3 ओके, -12 और -3 -15 और 12 36 प्लस के हो गए। बी स्क्वायर का गुणा किया नहीं 18 का भाग दे देते हैं, 18 का भाग दिया ओके, माइनस माइनस लास्ट चीज में साइन चेंज हो जाते हैं चौथी स्टेप में, तो ये प्लस में बदल जाएगा 6 2 12 36 18, तो एक वैल्यू आ गई अपने पास 2/3 ये हो गया 1/6। तो अपने पास जो एफिशिएंसी आती है बी की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3 और 1/6, बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आप 2/3 लो या बी की वैल्यू 1/6 लो, लेकिन ध्यान रखना आपको ए प्लस बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू बी से बड़ी ठीक है, यानी आप इसको ले लो
बी को 2/3 लेते हो तो ए की वैल्यू कितनी आती है, 1 - 2/3 करो तो 3 में से 2 गए 1/3। ओके तो यहाँ देखो, यहाँ तो बी बड़ा हो गया राइट, तो ये तो हो नहीं सकता, तो बी की वैल्यू 1/6, तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6 यानी 5/6 हो जाएगी। ओके ए की वैल्यू 5/6 हो गई, और यानी एक ही एफिशिएंसी आ गई अपने पास, और क्वेश्चन पूछा ये कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो टोटल फर्क था आपके पास 90, 90 और 5/6, 90 भाग 5/6 कर दो आंसर हो जाएगा 90 भाग 5/6, 6 ऊपर चला गया, 5 का गया इसमें 18, 5 का कितनी बार जाएगा इसमें, टोटल वर्क था अपना 35 था, 35 था टोटल वर्क 35 आया था, दोनों 35 दिन में करते थे, 35 था, 35 भाग 5/6 करना है, 35 भाग 5/6 ये जब 7 × 6 यानी सबका आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपके पास एक त्रिभुज है और आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है राइट, ट्राइंगल हो गया और एक पैरेललोग्राम हो गया। ये कह रहा है कि दोनों का एरिया समान है, इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, एरिया दोनों का बराबर है, और इसका क्षेत्रफल समान, मतलब इसका जो आधार है वो इसके आधार का 5/6 है। ये कह रहा है कि त्रिभुज के समान क्षेत्र वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है। तो देखो इसका आधार आप 6x मान लो तो ये कितना हो जाएगा 5x राइट। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात बताओ, इसकी ऊंचाई मान लो h1 और इसकी हाइट मान लो h2, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो गया 1/2, आधार की बात करें तो 5x * ऊंचाई की बात करें तो h1, इधर हो जाएगा 1/2 नहीं 1/2 नहीं होता, डायरेक्ट होता आधार गुणा ऊंचाई 6h * h2। ओके काट तो कटता है तो xx कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × मल्टीप्लाइड हो गया इधर आ जाएगा, तो 5h1 = 12h2, तो h1 / h2 कितना हो जाएगा 12/5, ये आपका आंसर हो जाएगा 12/5। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना, 12/5, 5/12 में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, हिंदी में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे ध्यान देना, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्राइंगल टू पैरेललोग्राम, यानी जो पहले होता है वो पहले ले लो, ट्राइंगल पहले, ट्राइंगल यानी पहले क्या है h1 पहले और नीचे h1 / h2 करना है आपको। हिंदी में आप कन्फ्यूज हो सकते हो कभी, लेकिन इंग्लिश में कभी कन्फ्यूज नहीं होगा, थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिएगा यहाँ पे, और कहीं भी काल लग रखा है ऊंचाइयों का अनुपात बताऊँ तो इसमें भी पहले ही है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान देना इंग्लिश को वो करना, तो आंसर हो जाएगा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी खाली टंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं, तो देखो ए भर सकते हैं 32 में और बी भरेगा 48 में, पाइप का जब कोई पाइप कार्य नहीं कर रहा हो तो सी अकेला 64 घंटे में खाली कर सकता है, सी 64 घंटे में खाली करेगा, तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे 32, 48, 64 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 192 आएगा, ठीक है 192 में 32 का भाग दोगे तो जाएगा आपके पास 6 बार, 48 का दोगे तो इसमें जाएगा 4 बार, और 64 का दोगे तो 3 बार, ये माइनस हो गया, ठीक है ये मैंने काम कर लिया ख़त्म। अब देखो शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया, अब यहाँ पर पाइप ए और सी को चालू कर दिया, कुछ घंटों बाद पाइप ए को बंद कर दिया, अब ए को बंद कर दिया और उसी समय बी को चालू कर दिया, बी और सी अब चालू हो गए, ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है 112 आवर, पाइप बी को कितने घंटे तक चालू रखा, बी को सपोज करो एक्स आवर तक चालू रखा, तो ये कितने टाइम रहा, ये रहा 112 - एक्स आवर। ओके तो देखो यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 - 3 = 1 हो गया राइट, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 - 3 = 3। ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 112 - x को 3 से गुणा करूँ, ठीक है यानी एफिशिएंसी इतनी और इतना तो ये हो गया, इसको x को 1 से कर देता हूँ बराबर, मेरे पास टोटल काम आ जाना चाहिए, टोटल कैपेसिटी है 192। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 3 को 112 से मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आएगा, -3x + x = 192, और ये हो जाएगा 2x = ये उधर 2x उधर गया और ये इधर आ गया, इसमें से माइनस हो जाएगा 144x = आ जाएगा 72 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान इतना है, तो ध्यान दीजिएगा सप्ताह का दिया है वो, यानी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये दे दिया आपको 28 × 7 कर दो आप राइट, सप्ताह का, यदि सोमवार मंगलवार बुधवार का इतना है, तो देखो सोमवार मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे
और थ्रस्ट है का औसत है 27.5, तो आप कर दो 1 2 3 4 4 × 27.5 कर दिया। ओके, यदि गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार का इतना है, गुरुवार यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे का एवरेज है 29, तो 29 × 4 कर दो, क्योंकि एवरेज है तो ये चार संख्या, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो गुरुवार के लिए 10 तापमान बताओ, थर्सडे का आपको बताना है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इनकी जगह मैं ओनली 1 वीक लिख दूँ, डायरेक्ट डब्लू लिख दिया मैंने, डब्लू का मतलब वीक ले लो, डब्लू का मतलब वीक, राइट। और इसको पूरे को मैं लिख देता हूँ वीक, क्यों हो गया वीक, और इसकी जगह वीक हो गया, प्लस ये थर्सडे बच गया मेरा, ये थर्सडे यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इन सब की जगह वीक लिख दिया, प्लस ये एक थर्सडे, थर्सडे दो थर्सडे दो बार था तो दो बार लिख दिया, बराबर इनको जोड़ लेते हैं, 4 × 27.5 4 × 29 जोड़ूंगा तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो गया 27.5 प्लस 29। अब देखो वीक की वैल्यू इतनी है आपके पास, तो ये लिख देता हूँ मैं इसकी जगह 28 × 7 प्लस थर्सडे, बराबर ये हो गया मेरे पास 4 × 27.5 प्लस 29, 4 का भाग गया इसमें, इसमें भी देना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये एक समीकरण है, इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं आपके पास थर्सडे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप करके देखिएगा इसको, इसके मतलब मध्यानुपाति बताओ, तो मध्यानुपाति हो जाएगा 0.16 × अक्ष समानुपाति, अक्ष अनुपात 0.64, तो क्या हो जाएगा बाहर वाली संख्या गुणा अंदर वाली गुणा, अक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 0.64, अक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लो, पॉइंट है तो 100 कर दो, पॉइंट है तो 100 कर दो, तो इस 100 का तो वर्गमूल नीचे 10 आ जाएगा, इस 100 का वर्गमूल फिर से 10 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, 832 बट्टे 100 यानी 0.32 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन मतलब टोटल इतने आवर चलता है, देखो टोटल इतने आवर चला यानी 4 × 12 = 14 × 12 = 14/3 टोटल आवर चलता है, इसमें से कुल समय का 1/5 भाग एड में व्यतीत होता है, यानी एडवर्टाइजमेंट कितना हुआ इसका 1/5 भाग, तो 14/3 है इसका 1/5 भाग कर दो, 1/5 कितना हो गया 14/15, ये आ गया एडवर्टाइजमेंट। टेलीविजन कार्यक्रम की रियल एक्चुअल ड्यूरेशन बताओ, तो एक्चुअल ड्यूरेशन में क्या करोगे 14/3 − 14/5 करोगे, अंतर आ जाएगा, ठीक है, करके देखना इसको भी, अब सिंपल है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, वीडियो लेंथ करने से कोई मतलब नहीं है। 35 स्टूडेंट्स का टोटल इतना है, तो यदि प्रत्येक छात्र केवल एक स्कूल बैग लाता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन बताओ, देखो टोटल वजन दे दिया आपको 449.75 और टोटल स्टूडेंट से 35 भाग दोगे एवरेज आ जाएगा। यह लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर छोड़ दूँ, ये भी सिंपल है, मैं बता देता हूँ, प्रियंकर हो गया और इसके अंदर ये इसकी चचेरी बहन एक रियाना है, ये कह रहा है कि प्रियंका की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन की आयु की 3 गुना, इसकी अक्ष मान लो, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 × 7 वर्ष कम है, तो 3 × 7, ठीक है, रियाना की अक्ष होगी, तो ये जो प्रियंकर है इसकी होगी 3 × 7 कम, राइट। 16 वर्ष बाद यानी ये हो जाएगा अक्ष प्लस 16 और ये हो जाएगा 3 × 16 जोड़ूंगा तो 16 × 7 = 9, ये 9 हो जाएगा। रियाना की आयु प्रियंकर की आयु रियाना की 150% थी, इक्वल टू थी 150/100 कर दो, इसको काटोगे अब तो 3/2 आ जाएगा, तो इसको 2 से यहाँ गुणा कर दो, 3 × 6 + 9 × 18 बराबर ये हो जाएगा 3 × 16 = 48, इसको सॉल्व करेंगे यानी 6 × 3 = 3 × 48 में से ये हो गए 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 10। पूछा क्या है प्रियंकर, प्रियंकर की वर्तमान आयु, प्रियंकर की वर्तमान आयु है यानी 10 × 10 = 30 × 7 = 23 आपका आंसर हो जाएगा। 12 से कौन सी विभाज्य है, 12 का जिसमें भाग जाता है उसमें 2 3 4 6 का भी जाएगा, राइट, 6 का जाने के लिए 2 3 जाना जरूरी है, 4 का किस में जाएगा, 4 में जिसका लास्ट 2 डिजिट में जा रहा हो उसमें यानी इसमें भी 4 का जाएगा, इसमें भी 4 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का भी समय जाएगा लास्ट वाली समय इसलिए 2 का भी जाएगा, तो फर्क पड़ता है जो 3 का भाग जा रहा है उसका, तो 3 का भाग किस में जाएगा जिसका समय जा रहा है, तो समय देखो किस में जा रहा है, सम करके देखो जिसका भी समय, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 12 + 8 = 20 + 26 = 27 हो गए, 27 में 3 का जाएगा यानी इसके अंदर 12 का भाग जाएगा, ये अपना आंसर है, बाकी आप सम करोगे तो किसी का भी समय 23 से डिवाइड नहीं होएगा,
तो इस तरीके से 24 नंबर का सेट कवर कर लिया। एलपी टेक्नीशियन पेपर से 29 अगस्त शिफ्ट थर्ड पे हम पहुंच गए। 30 और 31 अगस्त के और कवर करने हैं। 4 अगस्त के आपके पास किसी के पास पेपर हो 4 सितंबर के, तो आप टेलीग्राम पे भेज देना, उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। मेरे को 4 सितंबर के मिले नहीं है। तो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।